अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सब बच्चे अपने उर्दू की किताब और उर्दू की कॉपी निकाल लीजिए, ये आपका उर्दू का पीरियड है। आप सब ने वीडियोस देखी होंगी, टीचर ने आपको नया उनवान पढ़ाया था, उस उनवान का नाम है मैं ज़ारा हूँ। आई होप आप सब ने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज टीचर आपको उसका काम करवाएंगी, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है और उसका होमवर्क भी आपको टीचर बताएंगी, वो होमवर्क आपको कॉपी में करना है। अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप इस उनवान का टाइटल पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे इमला के अल्फाज की हेडिंग डालेंगे। इमला के अल्फाज जो है वो आप ब्लू कलर पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरीके से मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से टीचर ने ड्रॉ की है। फिर उसके बाद आप क्या मेंशन करेंगे, तारीख, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला आपके पास अल्फाज हैं यहाँ, नंबर एक, मार्जिन लाइन से पहले आप क्या लिखेंगे, एक ओट ओट। पहला इमला का अल्फाज क्या है आपके पास, ओट। आपने पढ़ा था चैप्टर में, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमने ये लफ्ज अल्फाज जो है वो हम रीड कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा है आपके पास मुंह, दूसरा है आपके पास मुंह, ओट मुंह। तीसरा है आपके पास अल्फाज धोती, धो ती, ओट मुंह धोती। पहला अल्फाज क्या है आपके पास, ओट मुंह धोती। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, नंबर फोर राइट करेंगे यहाँ पर, साफ। ये सब क्या है आपके, मुश्किल अल्फाज हैं, इमला के अल्फाज हैं, ठीक है। साफ। नंबर चार पे हमने क्या लिखा है, साफ। नंबर पाँच पे हम लिखेंगे, यहाँ हम फाइव लिखेंगे, कपड़े, कपड़े। नंबर वन है आपके पास ओट, सेकंड है आपके पास मुंह, नंबर थर्ड है आपके पास धोती, नंबर फोर्थ है आपके पास साफ, नंबर फिफ्थ है आपके पास कपड़े, नंबर सिक्स है आपके पास पहन, पहन। ये सब क्या है आपके, इमला के अल्फाज हैं। यहाँ पर सेवन राइट करेंगे, सेवन पे आपके पास है स्कूल, स्कूल। नंबर एट पे आपके पास खाना, खाना। नंबर नाइन पे आपके पास है, यहाँ पे आप नंबर नाइन राइट करेंगे, खाती। क्या अल्फाज है ये, खाती। ओट मुंह धोती, साफ, कपड़े, पहन, स्कूल, खाना, खाती। अब यहाँ पर आप सेंटर में वन लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से टीचर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर रही हैं, इसी तरीके से सेम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है क्या स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर टेन, नंबर टेन पे आपके पास सफाई, सफाई। इलेवन पे आपके पास ख्याल, ख्याल। ये आपके पास क्या है, सारे इमला के अल्फाज हैं, ओट मुंह धोती, साफ, कपड़े, पहन, स्कूल, खाना, खाती।
फिर आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ की। 10 है आपके पास सफाई ख्याल, ये आपके सारे क्या थे, इमला के अल्फाज थे। आप सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्लू कलर पेंसिल से इमला के अल्फाज की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद 11 जो हैं वो आपके पास इमला के अल्फाज हैं वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे तफहीम की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर पेंसिल से, और तफहीम हम किससे कहते हैं, सवाल जवाब को, ठीक है। पहला सवाल है आपके पास, ज़ारा कैसी बच्ची है। आपने देखा होगा, रीडिंग करी थी जब टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में, और आपको समझ में आ गया होगा ज़ारा कैसी बच्ची थी, एक अच्छी बच्ची थी। कैसी बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी। जवाब है इसका, ज़ारा अच्छी बच्ची है। यहाँ आप लिखेंगे ज़ारा, साफ सुथरा लिखेंगे क्लास, ज़ारा अच्छी बच्ची है। ज़ारा कैसी बच्ची है, ज़ारा अच्छी बच्ची है, ये इसका जवाब था। दूसरा सवाल है आपके पास, क्या आप अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये सवाल जो है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद ही से करना है। अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ, क्या आप अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखते हैं, ये आपका सवाल है, इसका जवाब आपको खुद ही से लिखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, आप अपने घर को कैसे साफ़ रखते हैं, ये भी क्या है, होमवर्क है, ये सवाल भी आपका होमवर्क है। ये दो सवाल जो हैं वो आपको खुद ही से इसके आंसर देने हैं, इसके जवाब देने हैं, और आप खुद ही से ये सवाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका दोनों सवाल जो हैं वो आपके होमवर्क हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसी तरीके से सेम पेज बनाएंगे जिस तरीके से टीचर ने अपनी कॉपी में बनाया हुआ है। ब्लू कलर पेंसिल से अल्फाज और जुमले की हेडिंग डालेंगे। ये आपके पास अल्फाज दिए हुए हैं, 5 अल्फाज हैं, आपको इनके जुमले बनाने हैं। सब बच्चे खुद जुमले बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। पहला अल्फाज आपके पास क्या है, स्कूल। दूसरा है घर। तीसरा है साफ। चौथा है हाथ। पांचवा है आपके पास खाना। ये 5 अल्फाज हैं, इनके आपको खुद से जुमले बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। 2 सवाल जो हैं वो आपका होमवर्क है, और अल्फाज जुमले जो हैं वो भी आपका होमवर्क है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद इमला के अल्फाज करेंगे, फिर उसके बाद तफहीम की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद पहला सवाल जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, जो दूसरा और तीसरा सवाल है वो आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के अल्फाज जुमले की हेडिंग डालेंगे, और अल्फाज जो हैं वो 5 हैं, इसके आपको खुद ही से जुमले बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।